नमस्कार दर्शकों, मैं सुशील प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर सब कुछ उचित्र अल्टीमेट। दर्शकों, अभी तक आपने जाना कि गर्भपात अर्थात गर्भ के बार बार गिरने के क्या कारण होते हैं। इनमें ज्योतिषीय और तांत्रिक कारण दोनों ही सम्मिलित थे। आज हम जानेंगे एक ऐसे तांत्रिक प्रयोग के विषय में जिससे बार बार गर्भ का गिर जाना व अपूर्ण गर्भ जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। गर्भ खराब होने में यदि ग्रहों का हाथ हो, या खराब सपने हो, या बच्चे में दिल की धड़कन ना बनती हो, या कोई तांत्रिक कारण हो, तो ऐसी स्थिति में हमें ये प्रयोग में लाना चाहिए। दर्शकों, धतूरा सामान्यतः तीन प्रकार का होता है, सफेद, पीला और काला। सफेद धतूरा अधिक मात्रा में पाया जाता है पूरे भारत में, सूखे इलाकों में यह खुद ही उगाता है, लेकिन पीला व काला धतूरा जल्दी से आपको नहीं मिलेगा। गर्भ बार बार खराब होने में हमें काले धतूरे का ही तांत्रिक प्रयोग करना है। दर्शकों, यहाँ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि सफेद व पीला धतूरा भगवान शिव को प्रिय होता है, लेकिन काला धतूरा भगवान रुद्र को प्रिय होता है। हमें काले धतूरे का ही प्रयोग करना है। इसका नाम काला धतूरा जरूर है, लेकिन इसके पत्ते बैंगन के पेड़ के जैसे होते हैं और फूल बैंगनी रंग के ही होते हैं। इसका तना गहरे बैंगनी रंग का होता है। बहुत दुर्लभ पौधा है। नाथपंथियों में इस धतूरे का बड़ा प्रयोग होता है। भगवान रुद्र के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके विषय में भगवान रुद्र के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। दर्शकों, आपको सबसे पहले यह दुर्लभ पौधा खोज लेना है और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शाम को इस पौधे के पास जाकर पश्चिम मुखी होकर इसे निमंत्रण देकर आए, और फिर अगले दिन यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शाम को जाकर इसके फल को लेकर आए। दर्शकों, किसी वृक्ष, पौधे, जड़ी या कलम या वांछित हिस्से को घर लाने की एक पूर्ण विधि होती है। इस बात को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसीलिए वह वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है। आप इस काले धतूरे के फल को भी ठीक उसी प्रकार लेकर आएंगे। यदि आप पूर्ण विधि से किसी जड़ी या पौधे को नहीं लाते हो तो वह अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती, और फिर आपका इन सब बातों से विश्वास उठ जाता है। तो दर्शकों, फल को घर लाकर पानी से शुद्ध करें, फिर दूध से, फिर गंगा जल से, उसके बाद पूजा के स्थान पर काला कपड़ा रख कर उस पर इस फल को रख दें, फिर दक्षिण मुखी होकर काले कंबल का आसन बिछाएं, चौमुखी दीपक लगाएं, धूप बत्ती जलाएं और धतूरे के फल को धुनी दें, दीपक दिखाएं, उसके बाद कुमकुम पर 1000 मंत्र पढ़कर धतूरे पर एक एक करके डालते रहें। मंत्र भगवान रुद्र का है। मंत्र इस प्रकार है, ओम भीमाय व्योम रूपाय शब्द मात्राय ते नमः, महादेवाय सोमाय अमृताय नमोस्तुते। दर्शकों, मंत्र एक बार फिर, भीमाय व्योम रूपाय शब्द मात्राय ते नमः, महादेवाय सोमाय अमृताय नमोस्तुते। एक चुटकी कुमकुम लें, एक बार मंत्र पढ़ें और धतूरे पर डाल दें। इसी प्रकार आपको 1008 बार मंत्र का जाप करना है। और दर्शकों, अपने पास पहले से ही कुमकुम इतना रखें कि उस पर 1008 मंत्र पढ़े जा सकें। मंत्र केवल उसी रात्रि को पूरे करने हैं, यानी के चतुर्दशी को। पूजन के बाद वह धतूरा और चौमुखा दीपक वहीं छोड़ दें और किसी दूसरे स्थान पर जाकर सो जाएं। फिर सुबह उठकर हर प्रकार से शुद्ध होकर उस धतूरे के फल को उसी काले कपड़े में कुमकुम सहित बांधकर पूजा के स्थान पर रख दें और भगवान रुद्र के मंत्र की एक माला जपें। काली पोटली को धूप, दीप, अगरबत्ती आदि दिखाएं। इसी प्रकार लगातार 15 दिन तक 108 बार मंत्र रोजाना जपें। धूप दीप रोजाना दिखाएं, मतलब अमावस्या से लेकर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक। फिर चतुर्दशी को एक काला कपड़ा लेकर उसमें 11 बीज पूजन किए हुए इसी काले धतूरे के बीज डाल लेने हैं और एक चुटकी कुमकुम डाल लेनी है और वह सुई से काले डोरे से सील देना है।
अर्थात ताबीज बना लेना है। उसके बाद उस स्त्री की कमर में बांध देना है जिसके गर्भ बार बार खराब होते हों या खराब सपने आकर गर्भ गिर जाता हो। इस प्रयोग से जुड़ी कुछ सावधानियां। आपको यह दुकान से नहीं खरीदना है, विधिवत आपको यह प्राप्त करना है। किसी दूसरे व्यक्ति से भी आप प्राप्त कर सकते हैं जिसने यह विधिवत प्राप्त किया हो। हर प्रकार की शुद्धता बरतनी है। जिस स्त्री को यह ताबीज पहनाया जाएगा वह भी हर प्रकार से शुद्ध होनी चाहिए। जब तक संतान पैदा ना हो जाए तब तक इस ताबीज को ना खोलें। बच्चा पैदा होने के बाद स्त्री की कमर का ताबीज खोलकर नदी में बहा दें। बच्चा पैदा होने पर एक नया ताबीज धतूरे के इन बीजों का बनाकर बच्चे के गले में डाल दें और 1.25 किलो का खीर का प्रसाद बनाकर शिव मंदिर में भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में बंटवा दें। इस प्रयोग से ज्यादातर पुत्र ही प्राप्त होते हैं। गोपनीयता। संतान पैदा होने तक पति पत्नी को इस सारी प्रयोग विधि को गुप्त रखना है। दर्शकों, धतूरे का यह फल जहरीला होता है, इसको भूल से भी खाना नहीं है। तो दर्शकों, अंत में विदा लेते हैं। आप ऐसे ही विचित्र और ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए बने रहिए सब कुछ विचित्र चैनल पर। ओम दुर्गा नमः।